शिष्य को कैसा होना चाहिए, एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ। एक शिष्य आता है गुरुवर के पास कि मुझे शिक्षित कर दीजिए, मैं आपके यहाँ शिक्षा लेने आया हूँ, एक काम कर मेरे लिए रहने की एक झोंपड़ी बना। वो शिष्य उनके रहने के लिए एक झोंपड़ी का निर्माण करता है। गुरु कहते हैं झोंपड़ी अच्छी नहीं बनी, इसे तोड़कर दूसरी बना। वो उसे तोड़कर दूसरी झोंपड़ी बनाता है। गुरु कहते हैं ये भी अच्छी नहीं बनी, इसे तोड़कर तीसरी बना। तीसरी बनाता है, चौथी बना, चौथी बनाता है, पांचवी बना, पांचवी बना रहा है। गुरु हर बार झोपड़ी तुड़वा देते हैं, उसे कहते हैं नहीं बना। वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 झोपड़ियाँ बना देता है। गुरु कहते हैं ये भी ठीक नहीं, दूसरी बना। वो उसी श्रद्धा भाव से 12वीं झोपड़ी बनाने की कोशिश ही करता है कि गुरु बोलते हैं साधु है तुझे, साधु है, उसे गले से लगा लेते हैं, तो सच्चा शिष्य है, तुझे शिक्षा पाने की उत्कंठा है, तूने उसमें जब जब मैंने कहा झोंपड़ी ये ठीक नहीं बनी दूसरी बना, तेरे मन में एक क्षण के लिए भी संशय नहीं आया, प्रश्न नहीं आया कि इसमें क्या खोट है, क्यों इतनी मेहनत को पानी में मिलाने के लिए गुरुजी आदेश दे रहे हैं। आपको पता है डॉक्टर श्रीराम शर्मा युग निर्माण योजना के प्रणेता, हमारे परम पूज्य पिता ने जन्म जिनसे दीक्षा ली, शांति कुंज हरिद्वार में एक स्थान है उसका निर्माण कर रहे थे वो, उन्होंने एक मंदिर बनाया बहुत विशाल, और उसके बाद जिससे बनवाया था उसको बोला ये मंदिर यहाँ ठीक नहीं, इसे तोड़ दो, यहाँ बना दो। इतनी मेहनत के बाद, इतने वर्षों की साधना के बाद एक मंदिर बनाया गया, और उन काम करने वाले लोगों ने एक क्षण के लिए श्री राम शर्मा जी अपने गुरुदेव से ये नहीं कहा कि क्यों तोड़ा जाए, इतना श्रम लगा है, इतनी मेहनत लगी है, इतना पैसा लगा है, क्यों तोड़ा जाए। उन्होंने तुरंत उसे तोड़ना शुरू कर दिया और नए स्थान पर बनाना शुरू कर दिया। ये होता है अच्छे शिष्य की पहचान। उसके मन में कोई शंका नहीं उठती,